पिता अमित के नाम से अमी और माँ आशा के नाम से शाह से मिलकर बना नाम अमीशा। हम बात करने जा रहे हैं फेमस लॉयर और पॉलिटिशियन रजनी पटेल की पोती और एक्ट्रेस, मॉडल और प्रोड्यूसर अमीशा पटेल के बारे में। 9 जून 1976 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में जन्मी अमीशा अमित पटेल एक गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता एक बिजनेसमैन हैं। उनकी दादी मुंबई के मणि भवन म्यूजियम में काम करती थी। उनका अश्विन नाम का एक भाई भी है। महज 5 साल की उम्र में अमीशा ने भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के कैथीड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से की। वहाँ वो एक एकेडमिक ईयर के लिए हेड गर्ल रही। फिर वो यूएसए बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए चली गई, पर वहाँ जाके उन्होंने अपने इरादे बदल लिए और बोस्टन यूएसए की टफ्ट यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया और उन्होंने अपने ग्रेजुएशन गोल्ड मेडल के साथ किया था। उन्होंने साथ ही साथ डांस, ड्रामा और रिलीजन में माइनर भी किया था। अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने मॉडलिंग और कुछ शोज भी किए थे अपने दोस्तों के साथ। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने खंडवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड नामक एक कैपिटल मार्केट कंपनी में इकोनॉमिक एनालिस्ट के तौर पर काम किया। फिर उन्हें मॉर्गन स्टैनली नामक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी से ऑफर आया, पर उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था वो इस काम के लिए नहीं बनी है, वो एक्टिंग करना चाहती थी। उन्होंने अपने माता पिता को खत लिखा कि वो एक्टिंग करना चाहती है। करीबन 1 साल तक अपने माता पिता के साथ वो एक्टिंग के लिए लड़ी और अंत में उनके माता पिता मान ही गए। वो इंडिया वापस आ गए और उन्होंने सत्यदेव दुबे थिएटर ज्वाइन कर लिया और नाटकों में भाग लेने लगी। उन्होंने नीलम नामक एक उर्दू नाटक में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने बजाज सेवाश्रम, कैडबरीज, जयलाइन, फेम फेयर एंड लवली लक्ष्य जैसे एडवर्टीजमेंट में भी काम किया है। अमीशा की बॉलीवुड में एंट्री हुई उनके पिता के बचपन के दोस्त राकेश रोशन की वजह से। राकेश रोशन ने उन्हें और उनके परिवार को एक दिन लंच पे अपने घर बुलाया। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि अमीशा को वो अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। इस फिल्म के लिए पहले करीना कपूर को चुना गया था और उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। ये थी वर्ष 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है, जो सुपरहिट रही। उन्होंने इस फिल्म में सोनिया सक्सेना का किरदार निभाया। इस फिल्म के लिए अमीशा को कई अवार्ड सेरेमनीज में बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। उन्होंने अपना तेलुगु डेब्यू किया 2000 में आई फिल्म बद्री से, जिसमें उन्होंने सरयू की भूमिका निभाई। फिर 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा, जिसमें उन्होंने सकीना की भूमिका निभाई। ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट्स में से एक है। एक बात बताएं, इस फिल्म के लिए उन्हें उन 22 लड़कियों में से चुना गया था जो शॉर्टलिस्ट की गई थी ऑडिशन देने आई 500 लड़कियों में से। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2003 में उन्होंने अपना तमिल डेब्यू किया फिल्म पुड़िया गिटाई से। हालांकि उनकी ये कामयाबी धीरे धीरे कम होने लगी और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने लगी। 2007 में आई फिल्म भूल भैया से उन्होंने अपना खोए इमेज वापस हासिल की। 2008 में वो फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक के बिकनी आइटम नंबर लेजी लम्हे में नजर आई। इस गाने के लिए उन्होंने स्कूबा डाइविंग सीखी, जिसके लिए उनको 15 दिन लगे थे। उन्होंने ये जिंदगी का सफर, क्या यही प्यार है, परवाना, जमीर, द फायर विदन, तथास्तु, आपकी खातिर, रेस टू, भाई जी, सुपरहिट जैसी फिल्मों में काम किया है। 23 अप्रैल 2011 को अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर कुणाल घूमर के साथ मिलकर अमीशा पटेल प्रोडक्शन नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी खोली थी। ये तो रही उनकी करियर की बातें, अब उनकी पर्सनल लाइफ में आते हैं। अमीशा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट के साथ रिलेशनशिप में आई थी वर्ष 1999 में और उनका रिलेशनशिप करीबन 9 सालों तक चला। उनका परिवार उनके और विक्रम भट्ट के साथ संबंधों को लेकर नाखुश था, जिसकी वजह से उनके परिवार उनके बीच दूरियां आ गई थी और ये दूरियां और भी बढ़ गई जब अमीशा ने अपने पिता पर उनके अकाउंट को मिसमैनेज करने और 12 करोड़ रुपए जबरन लेने का आरोप लगाया था। हालांकि विक्रम के साथ उनके ब्रेकअप के बाद उनके और उनके परिवार के बीच में तनाव का माहौल कम हो गया। 2009 में उन्होंने अपने भाई अश्मित के साथ रक्षाबंधन के अवसर पर अपना झगड़ा सुलझा लिया था। बाद में वो बिजनेसमैन कानव पुरी के साथ रिलेशनशिप में आई। कानव के साथ तो उनकी शादी की अफवाहें भी खूब चली थी। कुछ सालों तक उन्हें डेट करने के बाद अमीशा को उनसे भी ब्रेकअप हो गया।
वर्ष 2006 में वो सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने एक एयर इंडिया के एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी की थी और उस एम्प्लॉय ने उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दी थी। उन्होंने बदतमीजी इसीलिए की क्योंकि एयर इंडिया वालों ने अमीषा के साथ साथी का टिकट फर्स्ट क्लास पे अपग्रेड नहीं किया था। रिपोर्ट्स के हिसाब से अमीषा पटेल को न्यूयॉर्क में इंडिया के इंडिपेंडेंस डे परेड अटेंड करने जाना था। हालांकि परेड के ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें अपॉलोजी लेटर लिखा और बताया कि अमीषा और उनके साथी का फर्स्ट क्लास के टिकट बुक थे पर बुकिंग ऑटोमेटिकली एक फ्लाइट से दूसरी को ट्रांसफर हो गई थी। इसके अलावा अमीषा सोशल वर्क भी करती हैं। 2004 में उन्होंने पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स यानी पीटा को ज्वाइन किया था। उन्हें जानवरों का जू में बंदी बनाकर रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने एक बार कहा था, जॉर्ज वॉशिंगटन, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, वी हैड देम, एनिमल्स डोंट, दे नीड अस, लेट्स फाइट फॉर देयर फ्रीडम। हमारे पास जॉर्ज वॉशिंगटन, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी थे, जानवरों के पास नहीं है, उन्हें हमारी जरूरत है, आओ उनकी आजादी के लिए लड़ते हैं। 2005 में उन्होंने हेल्थ टेलीथॉन कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया था। 2004 के इंडियन ओशन में आए भूकंप और सुनामी से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए फंड्स इकट्ठा करने में। 2006 में उन्होंने प्लैनेट रीड नाम से एक एनजीओ ज्वाइन की थी जो लोगों को फिल्मी गानों के माध्यम से पढ़ना सिखाती है। 2007 में उन्होंने भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लड़ने के लिए जॉन अब्राहम और किरण खेर के साथ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम UNODC ज्वाइन किया था। अमीषा पटेल 2019 में आई रियलिटी शो बिग बॉस 13 में नजर आई। उन्हें सलमान खान ने बिग बॉस हाउस की मालकिन बनाया जो हर कंटेस्टेंट पे नजर रखती है। तो आपको क्या लगता है कि अमीषा कहो ना प्यार है और गदर जैसी सुपरहिट फिल्में दोबारा दे पाएंगी? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर करिएगा। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी शख्सियत के साथ। हमारा साथ देने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।